हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 14 जो हमारा लेफ्ट रह गए थे दो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.7 में, वो दोनों। ठीक है, तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने देख लिए होंगे। अगर किसी बच्चे ने फिर भी नहीं देखे तो भाई रिक्वेस्ट है उनको देख के आ जाओ, अगर नहीं देखे तो फिर फायदा क्या पढ़ने का। ओके, तो बेसिक पार्ट वही छिपा हुआ है सारा। ओके, तो इस एग्जाम्पल में क्या 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 पहले वो बता देता हूँ। 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ केमल्स। हर्ड का मतलब होता है बेटा झुंड, केमल्स का झुंड है जिनका 1/4 करेंगे टोटल नंबर्स का। उस झुंड में कितने कैमल्स हमें नहीं पता है। वाज सीन इन फॉरेस्ट, जंगल में देखे गए। तो हम सबसे पहले कहेंगे जंगल में कितने देखे गए, तो जंगल में टोटल के 1/4 देखे गए। तो टोटल हमने एक्स लेट किया, लेट टोटल कैमल्स, अब तुम लिख लेना यार, इन ए हर्ड, दैट इज एक्स। ओके, सो 1/4 ऑफ एक्स कहाँ है, कहाँ है, फॉरेस्ट में। ओके, तो फॉरेस्ट में तुम बोलोगे एक्स बाय फोर है सर, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या करें, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस मतलब डबल करना, स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, ऑफ द हर्ड मतलब हर्ड में जितने भी हैं उनका ट्वाइस करके, ट्वाइस कर दो स्क्वायर रूट का। तो मैंने कहा स्क्वायर रूट तो ए रहा मेरा, और इसका ट्वाइस का मतलब इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इतने कहाँ देखे गए भाई, हैड गोन टू माउंटेन, माउंटेन पे गए भाई इतने तो लोग, माउंटेन। ओके, दैट मीन्स इसको हम लिख देंगे 2√x, वेरी गुड। एंड द रिमेनिंग 15 केमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। रिवर के बैंक पे कितने हैं भाई, रिवर के पास कितने केमल्स है, 15 केमल्स। ओके, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ केमल्स कितने हैं। तो सिंपल सा हम कहेंगे सर देखो, एक दो तीन, ये तीन जगह बिखरे हुए वो, और इन तीनों जगह जितने भी केमल्स हैं वो टोटल केमल्स ही तो हैं। तो हमने कहा यस, तो तुम कहोगे एक्स बाई फोर प्लस 2√x प्लस 15, इन तीनों को ऐड करोगे एक्स के इक्वल आना चाहिए। यस और नो, मुझे जल्दी से बताओ। तो तुम कहोगे यस सर, यहाँ तक की बात तो ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं एलसीएम ले लो चाहे इनका, या फिर एलसीएम ले लेते हैं, चलो मैं इन सबका एलसीएम ले लेता हूँ। 4 तो ये आएगा एक्स प्लस 8√x प्लस 15, 4 जा 60 इज एक्स। यहाँ तक कहानी ठीक है, किसी को कोई डाउट है, नहीं। ओके, इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसके आगे हम करने वाले हैं, 4 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 8√x प्लस 60 इज इक्वल टू 4x। इधर ले आएंगे तो एक्स उधर ले चलते हैं सबको, है ना, तो इसको हटा देता हूँ मैं, उधर लेके चलते हैं। उधर लेके चलेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो 4x पहले से है, उसमें से एक्स माइनस माइनस 8√x माइनस 60 इज 0। यहाँ तक कहानी ठीक है। ओके, अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर 4x हो जाएगा 3x माइनस 8√x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे तो ये क्या इक्वेशन बन गई, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा एक बात बता, अगर मैं तेरे को कहूँ ये √x है और इसमें 2√x है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ √x का होल स्क्वायर। एक्स को क्या √x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस, माइनस 8√x माइनस 60 इज 0। अब अगर तुम इसको √x को एज ए वेरिएबल यूज में लेके करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम लेट कर लो कि √x को मैं कुछ लेट कर लेता हूँ। तो एक्स तो ले लिया, वाई ले लेते हैं इसको, चलो। तो अंडरूट एक्स को तुम क्या लोगे, वाई, तो तुम लिखो यहाँ पे 3y² माइनस 8x माइनस 60, सॉरी 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 सॉरी, समझ गया मैं तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे वाई लिखना है मेरे को। ओके बच्चा, सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 3 × 60 होगा, और 60 को मैं 3 × 20 लिख सकता हूँ, और 3 × 20 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10, 3 × 3 × 2 × 2 × 5, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने मेरे तरीके से कर रहा हूँ। अब मुझे 8 लाना है, तुम्हें दिख रहा है माइनस का 8 और प्रोडक्ट भी माइनस का, मतलब दो फैक्टर हुए हैं टोटल प्रोडक्ट का, दो फैक्टर तो पक्के हुए हैं, दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का, तो कैसे करें कि 8 आ जाए। तो मैं देख रहा हूँ एक बार, 3 × 3 = 9, 2 = 18 और 10, वेरी गुड। 18 और 10 बेटा सही है क्या, देखो 18 और 10 में 8 का डिफरेंस होता है, माइनस के 18 ले लेते हैं प्लस का 10 ले लेते हैं, यस और नो। और 3 × 6 = 16 × 30 = 180 होता है, तो इनका प्रोडक्ट भी 180 आएगा, 3 × 60 = 180 तो होता है, इनका प्रोडक्ट 180 आएगा और माइनस में भी आएगा क्योंकि एक माइनस का। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो 3y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इज 0। ओके बच्चा, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, 3 और y कॉमन ले लो तो बचेगा y माइनस 6, इधर से 10 कॉमन ले लोगे तो भी बचेगा y माइनस 6 इज 0। तो यहाँ से तुम्हारे देखो फैक्टर तो दो बन रहे हैं, एक तो वाई माइनस 6 बन रहा है प्लस एक बन रहा है 3y प्लस 10 इज 0। तो तुम यहाँ से बोलोगे y की वैल्यू 6 है, और यहाँ से मेरे सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ से तुम बोलोगे y की वैल्यू आ रही है माइनस 10/3। बताओ
जो वाई है वो एक नंबर है ना, वाई क्या है, अंडर रूट एक्स है बच्चा, क्या है, अंडर रूट एक्स। तो मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट -10/3 पॉसिबल है क्या? नहीं है सर, है ना भाई, सॉरी, अंडर रूट में कोई नंबर है वो क्या -10/3 हो सकता है? चांस नहीं है सर, चांस नहीं है। इसका मतलब सर अंडर रूट एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है। अंडर रूट एक्स की वैल्यू 6 होने का मतलब अभी तो हमें एक्स चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस अंडर रूट को ट्रांसफर करोगे पावर स्क्वायर में आ जाएगी बच्चा, दैट इज 36। मतलब एक्स 36 है, तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने बच्चा, 36। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे जो अंडर रूट एक्स दिखते ही तुम्हारी जो हालत खराब होती है वो मेन कॉन्सेप्ट था। ये अंडर रूट एक्स दिखते ही ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको तुम कहीं लिख लो, ये बात नहीं है। मानता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसी बातें नहीं आई अपने लिए, तो ये बात नहीं है। ओके तो चलो नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। ओ गर्ल आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वेंस, स्वेंस मतलब हंस, हिंदी में इसको बोलते हैं हंस, ठीक है, हंस का एक ग्रुप है। 7/2 times द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ए टैंक। शोर ऑफ ए टैंक मतलब कोई टैंक के किनारे, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। तो क्या कर रहा है कि टोटल कितने हैं तुम्हारे पास, तो तुमने कहा टोटल हमारे पास एक्स हंस है, उसका स्क्वायर रूट करके और उसको 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर बनेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेइंग कर रहे हैं शोर ऑफ ए टैंक। तो हम बोलेंगे टैंक के पास कितने जने प्लेइंग कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 7/2 ऑफ अंडर रूट एक्स। यस और नो? यस। द टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग विथ अमंग फाइट इन ईच इन द वाटर। दो जने हैं वो वाटर के साथ, वाटर के अंदर फाइटिंग कर रहे हैं, तो फाइटिंग कितने जने कर रहे हैं, फाइट दो हंस कर रहे हैं, ठीक है। स्वेंस टू स्वेंस आर फाइटिंग एंड 7/2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई आर शोर ऑफ ए टैंक। ओके व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वेंस, बताओ टोटल नंबर ऑफ स्वेंस कितने हैं। तो तुम कहोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सर भाई 7/2 × √x ये तो कहाँ है, टैंक के पास है, दो जने हैं वो फाइटिंग कर रहे हैं, दो ही है ना, द टू रिमेनिंग वंस। ओके दो जने हैं वो प्लेइंग कर फाइटिंग कर रहे हैं, बचा क्या, टोटल आ जाएगा एक्स। अब इसको सोल्व कर लो, ये भी अंडर रूट एक्स में ही दिख रहा है तुम्हें, तो इसमें एलसीएम ले लेता हूं, तो 7√x + 4 = 2x। और इसको तुम प्रॉपर वे में इक्वेशन बनाओगे तो 2x - 7√x - 4 = 0। अब मेरे बच्चे फिर से कहेंगे सर एक्स को अंडर रूट एक्स को क्या ले लो आप, वाई ले लो, तो ये जो एक्स है ये बन जाएगा, एक्स बन जाएगा वाई इंटू वाई, क्योंकि एक्स में दो अंडर रूट होते हैं, है ना। तो तुम इसको लिखोगे 2y² - 7y - 4 = 0। 4 2 = 8 होता है, 2 × 4 होता है 8, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसके फैक्टर करने हैं तो 8 का 8 1 = 8 कर लेता हूँ, 7 आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस में चाहिए तो माइनस का 8 ले लेता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2y² - 8y - y की जगह में + y - 4 = 0। देखो क्या 7y आ रहे हैं माइनस के। ओके सो यू कैन राइट हियर 2 take common y common, तो y - 4 बचेगा, प्लस इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लो, y - 4 = 0, तो यहाँ से y - 4 एंड 2y + 1 = 0, तो y की वैल्यू 4 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2, इसको हम नहीं लेंगे, तो y की वैल्यू 4 है, अंडर रूट x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। तो टोटल हंस कितने थे, 16, में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सही है क्या, यस बेटा 16 आंसर आ रहा है। ओके तो यहाँ पे भी समझने वाली, देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, लेवल 3 में बोला है, तो इसमें लेवल 3 वाली बात, ये अंडर रूट वाली बात है, इसको तुम नोटिस कर लेना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बेसिक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.7। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक तुम वीडियोस देखो, समझो, पढ़ो, और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछो। ओके बच्चा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।